तो गाइस आज हम देखने वाले हैं क्या क्या चीजें इस डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। हमने काफी दफा सुना है डिजिटल मार्केटिंग ऐसा है वैसा है, बट एक्चुअली क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है, कौन से मीडियम और टूल्स होते हैं जिसपे सारे डिजिटल मार्केटिंग हो या फिर जो भी जिनका भी एजेंसी वगैरह है वो सारे लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं SEO। SEO क्या होता है? SEO मतलब सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये किसके लिए यूज होता है? बेसिकली अगर आपकी वेबसाइट आपको गूगल के फर्स्ट पेज में चार रिजल्ट्स में अगर आपको रैंक करवानी हो, तो ऑर्गेनिक वे में विदाउट पे किए बगैर भी आप SEO अच्छा करके आपकी साइट आप रैंक करवा सकते हो, तो वो SEO हो गया। उसके बाद में वेबसाइट डेवलपमेंट, किस तरह से आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो गूगल गूगल पे ही, मतलब वर्डप्रेस के जरिए आप किस तरह से आपकी खुद की या फिर क्लाइंट की, आगे जाके आप क्लाइंट की भी करोगे तो किस तरह से वेबसाइट डेवलपमेंट करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। तो इस कोर्स में हम पूरी चीजें ये सीखने वाले हैं। उसके बाद में आते हैं फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, किस तरह से फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लिए जाते हैं, कंप्लीट किए जाते हैं, उसका पूरा प्रैक्टिकल हम ये फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी देखने वाले हैं। उसके बाद में एफिलिएट मार्केटिंग करके हम किस तरह से कमीशन अर्न कर सकते हैं। आपने सुना होगा अमेजोन का एफिलिएट मार्केटिंग होता है, तो नॉट ओनली अमेजोन, उसके अलावा काफी ऐसे अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में, बिजनेसेस है जो एफिलिएट मार्केटिंग प्रमोट करते हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। उसके बाद में ग्राफिक डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग करके जो भी एडवर्टाइजमेंट आप डालते हो, आपने आई एम श्योर आपने कई सारे आपके फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, जो भी स्पॉन्सर लिख के आते हैं वो वाले, तो ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ से बनाते हैं? तो मेजोरिटी पीपल कैनवा का यूज करते हैं, तो यहाँ से भी आप किस तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट में अच्छे से अच्छे कंटेंट्स आप बना सकते हो, इससे आप किस तरह से कैनवा से भी आपका इनकम अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हो, वो भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद में गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स में क्या क्या चीजें होती है, आपके साइट्स पे किस तरह से ट्रैफिक आता है, कहाँ से आता है, सोर्स क्या है, ये सारा आपको एनालिटिक्स इस गूगल के प्रोडक्ट्स में, एनालिटिक्स में हमें दिखाई देता है। उसके बाद में हम सीखने वाले हैं गूगल एड्स। गूगल के टॉप 4 रैंक में, फर्स्ट पेज पे टॉप 4 लिस्ट में अगर आपको आना है, तो गूगल के एड्स के जरिए गूगल को पे करके, गूगल एड्स रन करके भी आप वहाँ पे नंबर 1 पे पोजिशन पे आ सकते हो, तो वो क्या कैसे करना है वो भी सारी प्रोसेस हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। उसके बाद में आते हैं गूगल एडसेंस। तो गूगल एडसेंस ये भी एक गूगल का ही प्रोडक्ट है जो आपको इनकम अपॉर्चुनिटीज देता है। आपके वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक बढ़ता है, ऑब्वियसली अगर आपने कुछ आपके वेबसाइट पे गूगल एडसेंस के एड्स लगाए हुए हैं, और कोई ट्रैफिक में से कोई लोग अगर उस पर क्लिक करते हैं, तो किस तरह से आप गूगल से डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हो वो भी हम देखने वाले हैं। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के कंटेंट हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। उसके बाद आते हैं सोशल मीडिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। सोशल मीडिया में किस तरह से ऑर्गेनिक वे हम हमारे बिजनेस बढ़ा सकते हैं, या फिर पेड एडवर्टाइजमेंट पे करके किस तरह से हमारे बिजनेस के लिए, जो भी आपका बिजनेस है तो उसके लिए लीड्स और कन्वर्जन, मतलब बिजनेस बढ़ा सकते हो, लीड्स बना सकते हो, तो वो सारी चीजें हम ऑर्गेनिक और पेड वाला सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम सीखने वाले हैं। उसके बाद में आते हैं ये जो सारी चीजें आपने देखी, SEO डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, फ्रीलांसिंग, गूगल एनालिटिक्स, ये सारे मीडियम हो गए डिजिटल मार्केटिंग के, जो एक इंटरनेट सर्वर पर, इंटरनेट नेटवर्क्स पर पूरी तरह से रन होते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं। उसके बाद में ये सारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी, आपका अगर कोई बिजनेस है तो 101% के साथ में बोलूंगा आपको वो प्रोडक्ट, आपका वो बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको काफी सारी हेल्प होने वाली है, और 100% बिजनेस बढ़ता है। दूसरी चीज, अगर आपको कुछ आपके पास आइडिया है, प्लान है, कुछ आपके माइंड में है कि आपको कुछ स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो डिजिटली आपको अगर वो सेट करना है तो आपको ज्यादा खर्चा भी आता नहीं, मैं कहूंगा खर्चा ना के बराबर आता है, क्योंकि इंटरनेट ये ओपन सोर्स है, हर कोई आके बिजनेस ओपन कर सकता है, रन कर सकता है। बट वही अगर कोई बिजनेस आपको मार्केट में इस्टेब्लिश करना है, ऑफलाइन एक्टिविटीज करना है, तो वहां पे आपको मिनिमम 50,000 से, छोटे से छोटा बिजनेस के लिए 50,000 से 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है, जो कि आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे
उसका इन्वेस्टमेंट खाली इंटरनेट आपको और आपका जो डिवाइस होगा वो उसकी जरूरत होती है। उसके बाद में आते हैं इनकम अपॉर्चुनिटी, दूसरा वे क्या है अपार्ट फ्रॉम बिजनेस। आप फ्रीलांसर बन के घर बैठ के प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आप सबमिट कर सकते हो। फ्रीलांसिंग जो टूल्स अवेलेबल है, freelancer.com है, उसके बाद में fiverr.com है, तो काफी सारी साइट्स है जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर सकते हो और आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद में कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग जो मैंने बताया यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। आज की डेट में स्पेशली दिस कोविड पैंडामिक इतने लोग डिजिटल बिजनेस कार्ड्स के लिए डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद में आपको पोस्ट क्रिएट करने के लिए मिलता है, कोई भी ई कॉमर्स साइट हो, कोई भी बिजनेस हो, आज उनको पोस्ट करने के लिए, उनके बिजनेस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करने के लिए कंटेंट की जरूरत होती है, तो ये आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो ये कैनवा से भी आप इंस्टेंट आपका अपॉर्चुनिटी, अर्निंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होता है। उसके बाद में आते हैं गूगल एडसेंस है। गूगल के आपके साइट पे अगर आप गूगल के एड्स लगाते हो तो डेफिनेटली वहां से भी आपको डॉलर्स में अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये सारी आप बिजनेस और इनकम अपॉर्चुनिटीज आपको डिजिटल मार्केटिंग में मिलती है। मैं इतना ही कहूंगा, काफी सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग करने का बोलते हैं बट कुछ नहीं करते। बट अगर जो भी लोग स्टार्टिंग में एक दो मॉडल सीख जाते हैं वो 100% पूरा डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि उनको पता हो जाता है, जैसे मैंने अभी ये सारे मॉडल्स बताए, तो हर एक मॉडल्स में आपको अपॉर्चुनिटी है, इनकम अपॉर्चुनिटी है। अगर एसईओ देखोगे तो एसईओ में भी आपका बिजनेस साइट आप रैंक करवा के अर्निंग कर सकते हो, ब्लॉग्स लगा एडवर्टाइजमेंट लगा के डॉलर्स में गूगल से अर्निंग कर सकते हो। तो ये सारे, जैसे कि ये 8 मॉड्यूल्स यहाँ पे दिखाए मैंने, 10 मॉड्यूल्स है, इसके अलावा काफी मॉड्यूल्स है, जैसे कि 30+ मॉड्यूल्स रहते हैं। तो ये 8-10 ही मॉड्यूल्स में से आपको हर एक मॉड्यूल में अलग अलग इनकम सोर्स अवेलेबल है, तो वो आप कर सकते हो। उसके बाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज कितना है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए कंपनीज फाइंड आउट करती है। आज भी लिंक्डइन पे कंपनीज लिंक्डइन को पे करती है और जॉब पोस्ट करती है ताकि डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई उनको बंदा, अच्छे से क्वालिफाइड बंदा मिल जाए। देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी और आई मीन डिमांड इन द मार्केट फॉर जो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, क्योंकि लोग नहीं सीख रहे हैं, लोग इस चीज से अभी तक इतने अवेयर नहीं है। तो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज एंड थिंग्स दैट वी गोना लर्न। तो इतनी सारी चीजें हैं जो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल करने वाली है, आपको आपका साइड बिजनेस हो या फिर आपको आपका बिजनेस ग्रो करना हो या फिर आपको एज अ फ्रीलांसर आपको काम करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।